हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, क्रोटन प्लांट के पौधा जो होता है, प्लांट होता है, इसके जो पत्ते होते हैं ये ज़्यादा गिर जाते हैं। इसके लिए ये पत्ते ना गिरे तो क्या करना चाहिए? आप घर पे ही इसके पत्तों के लिए उपाय कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्रोटन प्लांट को वाटरिंग करना है, और इसके बाद वाटर का नॉर्मल वाटर का स्प्रे करना है, और इसे थोड़ी देर के लिए धूप में इस तरह से छोड़ देना है। और जब आपके जो लीव्स होते हैं क्रोटन प्लांट के, उसके आगे के तरफ से नहीं बल्कि पीछे के तरफ से जो लीव्स होता है उसे ज़्यादा बैक्टीरिया लगता है। इसके वजह से प्लांट झड़ जाता है या तो पत्ते उसके गिर जाते हैं। इस तरफ से आपको अच्छी तरह से स्प्रे करना है, और स्प्रे करने के टाइम पर आप पानी में आधा चम्मच हल्दी मिक्स करके उसका स्प्रे ज़रूर करें, ताकि बैक्टीरिया मर जाता है, और उसे थोड़ी देर के लिए धूप में इस तरह से रख दे। धूप में रखने से बैक्टीरिया जल्दी ख़त्म हो जाता है, और ये जो लीव्स होते हैं इसको अलग अलग कलर निकल आते हैं, और लीव्स के जो डार्कनेस है वो भी बढ़ जाता है। इस तरह से आप क्रोटन प्लांट की केयर कर सकते हैं। इसी थोड़े खुली हवा में इसे छोड़ देना चाहिए, ताकि ये अच्छे से सांस ले सके और अच्छे से रह सके। आपको क्रोटन प्लांट को ज़्यादा देर के लिए धूप में नहीं रखना है, बस आधे घंटे के लिए इसे खुले छोड़ना है, और फिर आप इसे अंदर रख सकते हैं। ये इंडोर प्लांट है, इसे ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती है। इस तरह से आप ये उपाय करके देखें, आपके क्रोटन प्लांट के पत्ते कभी नहीं झड़ेंगे, और क्रोटन प्लांट एकदम हरा भरा और घना दिखेगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जी हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद आप सभी का।